नमस्कार दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हेल्थी फूड के अंतर्गत मैं आपको आज सत्तू का पराठे बनाने का विधि बताऊंगा। उसमें क्या क्या मटेरियल लगता है उसके बारे में बताऊंगा। और इससे पहले आपको मैं बता दूं कि ये बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है और बड़े बूढ़े भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे बच्चों की बात इसलिए करता हूँ कि बच्चों को हम शुरू से हेल्थी फूड की आदत डालने, खाने की, खिलाने की, तो वो पूरे लाइफ टाइम हेल्थी फूड ही खाएंगे और उस तरीके से उनका खाने का तरीका बदल जाएगा। अभी माँ बाप की शिकायत है कि हमारे बच्चे रोटी नहीं खाते, सब्जी नहीं खाते, तो उनके लिए डेली कुछ ना कुछ बदल करके हम बनाए तो उन्हें भी चेंज चाहिए। और डेली वही पराठा बना के स्कूल सेम भेजेंगे तो बच्चे नहीं खाते हैं। तो इसके अंदर हम सत्तू का पराठा बनाने सिखाएंगे। तो इसमें हमने मेन सत्तू, ये चने का सत्तू है जो कि बाजार में भी अवेलेबल होता है बट वहाँ मिलावट होता है, तो आप इसके लिए चना बाजार से ले सकते हैं। आप देख रहे होंगे इस चने को हमने मिक्सी में पीस लिया है, पीस करके आप बना सकते हैं। ऐसे हमने अलसी ले रखा है, रोस्टेड अलसी भुनी हुई, इसका अलसी का पाउडर लिया हमने। ये अलसी का पाउडर हो गया, मेन ये दो चीज़ें हैं। इसके साथ ही मिर्च का अचार हो गया, इसमें आप आम के अचार का मसाला भी ले सकते हैं, भरवा मिर्च तो वो ले सकते हैं। ये सरसों का तेल, नमक और अपना प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, और मेन जो इसमें स्वाद और खुशबू देने के लिए लिया जाता है ये हमारा कलौंजी, जिसे काली जीरी भी बोलते हैं आज में। कलौंजी ये बहुत जरूरी है और हमारे ये पहले रसोई का मेन मसाला हुआ करता है, जो कि आजकल खत्म ही हो गया है, रसोई में रखने लोगों ने छोड़ दिया है, जबकि बहुत ही फायदेमंद और गुणकारी है। दूसरा अजवाइन है, अजवाइन के बारे में तो आप लोग सभी जानते हैं। तो किन सबको मिक्स करके हम आपका सत्तू का पराठा बनाने बताएंगे। सबसे पहले हम एक बर्तन लेते हैं, उसमें सत्तू का, चने का सत्तू डालेंगे और ये सारा मटेरियल हमसे 5 लोगों का है। इसमें ये अलसी का पाउडर ले लेंगे और ये इस सत्तू की खासी इसमें फैटी एसिड, आप सभी को पता है कि फ्लैक्सीड में पाया जाता है अलसी में, तो फ्लैक्सीड एसिड एसिड है, ओमेगा 3 है और लिग्निन है जो कि बच्चों के दिमाग के लिए बहुत जरूरी है। साथ में इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में, यानी कि सारे मिनरल्स जो आवश्यक शरीर के मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए होते हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगे इसमें। तो इसके हम अपने स्वाद अनुसार इसमें प्याज लहसुन आप खाते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई जरूर नहीं है, बिना प्याज लहसुन ही बना सकते हैं। प्याज और लहसुन जितना बारीक हो सके उतना काट लें और इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। हमने बारीक करके डाल दिए। इस तरीके से आप लहसुन भी ले सकते हैं, प्याज ले सकते हैं, 5 लोग ले लहसुन एक या दो ले सकते हैं, स्वाद के अनुसार ये सब चीजें डाली जाती हैं कि आप एक दो बार बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद हमेशा आप सही तरीके से बनाने लगेंगे। एक हरी मिर्ची लेंगे, लेकिन अगर आपके बच्चे अगर हरी मिर्ची नहीं खाते हैं, हरी मिर्ची नहीं डालना चाहते, तो लाल मिर्ची ना भी डालें तो चलेगा। ये हरी मिर्ची डाल दी और सीजन के हिसाब से इसमें हरी धनिया भी डाल सकते हैं, अदरक भी डाल सकते हैं, अगर जाड़ों का सीजन है। हम ये ले लेंगे 1 चम्मच के करीब अपना कलौंजी, अजवाइन हम 1/2 चम्मच लेंगे। इसको हमें मिक्स करना है, मिक्स करने के लिए इसमें हम यह अचार का मसाला डाल दे रहे हैं जो अपना भरी हुई मिर्च है, या ये डाल सकते हैं, या आम का अचार का मसाला, कुछ भी नहीं है तो आप आमचूर डाल सकते हैं, मेनली इसको स्वादिष्ट देने के लिए, स्वाद बढ़ाने के लिए डाला गया। इसमें सरसों का तेल डाल दीजिए 1/2 चम्मच, या आप देसी घी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, रिफाइंड मत डालिएगा। इसी में आप स्वाद के अनुसार नमक, अगर आप सेंधा नमक डालें तो अति उत्तम होगा और भी बढ़िया होगा। तो इसको हमें मिला लेना है। इसमें हम थोड़ा सा पानी ले लेंगे, इसका मोहन तैयार करने के लिए ये सब चीजें हम अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। अभी कुछ लोग सोचते हैं कि मैं ऐसे पूर्वांचल का ही भोजन है, लेकिन इसमें क्या है कि अब हमारा खाने के लिए तैयार है, इसे हम ऐसे भी खा सकते हैं बिना पराठे के भी, और ये पौष्टिक होता है। जैसे पहले लोग सफर में जाते थे तो अपना घर से ऐसे बना के ले जाते थे और वहाँ अचार मिलाया और नमक पानी डाला और उसे मैश करके खा लिया करते थे, और उसे पी भी सकते हैं। जो का सत्तू, जो कि आजकल मार्केटों में इतना मार्केट में इतना कॉस्टली आ गया है कि पूछो मत, 20 रुपये किलो जो है, लेकिन उसका जो आता है मार्केट में जो आएगा सत्तू, उसको शरबत बनाने के लिए होता है कि हम उसे घोल करके पी सकते हैं, ब्रांडेड कंपनियां बना रही हैं। जिसको हम चाहे तो हम इसे पानी में घोल के भी पी सकते हैं, खा भी सकते हैं, पराठा बनाना चाहे तो पराठा भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये तैयार हो गया। इसको आप अपने सुविधा अनुसार कितना गीला करना कर सकते हैं, सूखा ही रहेगा ये।
तो इसमें और भी कुछ अगर आप मिलाना चाहते हैं तो मसाले मिला सकते हैं। तो ये रेडी टू पराठा, ये बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। इसको हम बस ये लेना है और अपना जैसे आलू का पराठा बनाते हैं वैसे ही उसकी आलू के मसाले की जगह ये भरना है, या पनीर पराठा बनाएंगे और इसको हम बना सकते हैं। और ये हमारे पे रेडीमेड ये बन के भी आ गया, ये पराठा है। अब देखेंगे तो इसमें यही भरा हुआ है ये, आप देख सकते हैं सारा मसाला सेम है, बस ये भर के बनाना है। और ये इतना पौष्टिक है कि बहुत ज़्यादा आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं, इसके अंदर भरा हुआ पराठा वो मसाला भरा हुआ है, मसाला भर के इसे आप रख दीजिए ऐसे इडली या गुजिया की स्टाइल में बना सकते हैं। और इसको स्टीम में पका सकते हैं, स्टीम में पकाएंगे तो इसमें रिफाइंड वगैरह यूज नहीं होगा बिल्कुल भी, और ना घी, तो ये बिल्कुल ऑयल फ्री होगा, जो कि आप जैसे अपने हार्ट पेशेंट वगैरह उनके लिए भी बहुत फायदेमंद हो और एक पौष्टिक और भी स्वादिष्ट हो। स्टीम का बनाया हुआ तो कितना स्वादिष्ट होता आप जानते हैं, किस तरह से आप स्टीम में भी बना सकते हैं, उसे चाहें तो लाइट फ्राई कर सकते हैं। तो ये आज का जो हमने बताया ये सत्तू का पराठा बनाने के लिए विधि था। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप लाइक करिएगा हमारे चैनल को, और अगर कोई कमेंट है तो आप दे सकते हैं कि ताकि हम इम्प्रूवमेंट कर सकें। इससे आपका चैनल देखने धन्यवाद।